बीजेपी के 100 विधायक बदलेंगे पाला या सपा में होगी बड़ी टूट। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के दावों ने बढ़ाई यूपी की राजनीति में हलचल। शिवपाल का दावा 2024 में बीजेपी का हो जाएगा सुपड़ा साफ। यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। हर दल का नेता ऐसे सनसनीखेज दावे कर रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इस पर पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। ऐसे में किसका दावा सच हो जाए और किसका जुमला बनकर रह जाए ये वक्त ही तय कर पाता है। और इस समय दावे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से हो रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को वो सीएम पद का ऑफर भी दे चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें अपने साथ बीजेपी के 100 विधायक लाने होंगे, बाकी का काम सपा चीफ कर देंगे। इस बीच उन्होंने केशव मौर्य का दावा भी किया कि योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते मौर्य को इज्जत बीजेपी में नहीं मिल रही है। योगी सरकार मौर्य को शूद्र समझती है और यूपी में शूद्रों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी अखिलेश के बयान को ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ रही है। तो सपा का दावा है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग को सिर्फ वोट बैंक समझ रही है। साथ ही सपा का दावा ये भी है कि बीजेपी में ओबीसी विधायक मुश्किल है। अखिलेश खुद बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं, तो बीजेपी की ओर से कमान केशव मौर्य ने संभाल रखी है। वो अखिलेश के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक बार उन्होंने फिर वो दावा किया से सपा खेमे में हलचल मच गई। मौर्य ने कहा कि सपा के 1-2 दर्जन विधायकों को छोड़कर बाकी के विधायक बीजेपी में जाने को तैयार हैं। सपा के लगभग 100 विधायक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। 50 से ज्यादा विधायकों के अपने संपर्क में होने का दावा तो खुद केशव मौर्य ही कर रहे हैं। मौर्य ने कहा कि सपा विधायक तो बीजेपी में जाने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी को उनकी जरूरत है? क्या सपा विधायकों को बीजेपी में लेना पार्टी के लिए भी सही रहेगा? मौर्य ने कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सपा विधायक कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ज्वाइन करा लो, हम अखिलेश यादव के साथ नहीं रहना चाहते। अगर सपा चीफ को इस बारे में पता नहीं है तो उन्हें पता करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सपा का 2024 में होगा पूर्ण सफाया। लोकसभा के लिए सपा का दावा सिर्फ शिगुफा है। मौर्य ने कहा कि हमें भरोसा है कि यदुवंशी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे। इस बीच शिवपाल यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो सपा यूपी में आसानी से 50 सीट जीत जाएगी। सपा कार्यकर्ताओं ने थोड़ी सी मेहनत की तो यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शिवपाल यादव इस समय यूपी के हर जिले का दौरा भी कर रहे हैं। सपा के संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं, तो अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा तो उन्होंने गठित भी कर लिया। अभी इसमें 2 ही बड़ी पार्टी शामिल हुई है, सपा और पश्चिमी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी। लेकिन जल्द ही तीसरे मोर्चे में दूसरी पार्टियों को भी जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। साफ है कि बीजेपी को घेरने की रणनीति में सपा सिर्फ यूपी के लिए तैयार नहीं कर रही है, बल्कि पूरे देश में ही बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है। कोलकाता में अखिलेश यादव ने दावा भी किया था कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। बीजेपी वहीं जीत रही है जहां उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ है, लेकिन जहां मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ है वहां बीजेपी को हार मिल रही है। इसलिए बीजेपी के खिलाफ बनाए जा रहे तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को छोड़कर हर दल का समर्थन हासिल करने की कोशिश में मोर्चा जुटा हुआ है।